कहाँ छुपे हुए हो? तू अपना नूर हम पे बरसा, अपनी रहमत हमारे ऊपर रख, आमीन। हे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब दो। उस दिन जब मैं जा रहा था तब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी, ऐसा क्यों किया? तुम रोड पर पाउडर से कुछ निशान बना रहे थे। ए, मेरी पत्नी के भेस में वो औरत कौन थी? उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कौन थी वो? जवाब दो वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या वो आई थी? सच में आई थी? शीला आ चुकी है क्या? शीला आ चुकी है? ये शीला कौन है? वो अपना असली रूप नहीं दिखाती, आप उसे नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। साफ साफ बताइए शीला कौन है? वो मेरे पास क्यों आती है? क्यों परेशान करती है? कौन है वो? आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो इंसान नहीं है। मैं कलमा 4444 बार पढ़ रहा हूँ, कल वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझसे मिलना, सब कुछ मैं बता दूंगा, अगर उस समय तक आप रहे तो। मेरा मतलब है जिंदा रहे तो। Hi, Tia. How was the day? मम्मी, हमारी मैथ्स टीचर ने आज एक क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब क्लास में कोई नहीं दे पाया। उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। अगर मुझसे पूछा होता ना तो मैं उसका जवाब जरूर दे देती। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं इसका जवाब जानती हूँ। और पता आप कौन है? मेरी मम्मी कहाँ गई? कुलदीप सर, 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 आपने देखा आज दूसरी बार पूरी तरह से अंधेरा हो ये गया। क्या कह रहे हो तुम? जब ऐसा पहली बार हुआ सर तो एक के बाद एक कई मर्डर हुए थे सर। मैंने आपको बताया था लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। आप खुद ही देख लीजिए सर, अपनी आंखों से देखिए। कुलदीप, कभी कभी शाम के वक्त ऐसी घटना होती है जिससे अंधेरा छा जाता है। सर क्या इमेजिनेशन है सर, ये शाम का अंधेरा है या हम अंधेरे में है भगवान ही जाने। कादर सर,
सर। कादर, क्या तुम मस्जिद में किसी को पहचानते हो? इमाम साहब मेरे रिश्तेदार हैं। बढ़िया, फोन लगाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अभी करता हूँ, लीजिए सर। स्पीकर पे डालो। ठीक है सर। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। हाँ बोलिए ना। मैं इस वक्त थाने में हूँ भाई। इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ओके। मैं उनको फोन दे रहा हूँ। बात कीजिए सर। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, क्या आपकी इबादत सूर्योदय और सूर्यास्त पर बेस्ड है? हाँ सर। इसके बारे में और बता सकते हैं? सर वो सुबह की जो इबादत होती है उसे हम फजर कहते हैं। और सूर्यास्त के बाद जो इबादत होती है उसे हम मगरिब कहते हैं सर। अच्छा, आपके हिसाब से आज सूर्यास्त कितने बजे होगा? आज 6:42 पे सर। आज सूर्यास्त कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? हाँ सर, हम लोग भी वही सोच रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया सर। सर आज सूर्यास्त कुछ पहले ही हो गया, इस बात से वो लोग भी सरप्राइज हैं सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। ए, ऐसा नहीं बोलते। हेलो। शिवटिया स्कूल से आने के बाद बहुत डरी हुई है। उसके शरीर पर अचानक से लाल धब्बे हो गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई एलर्जी होगी, कुछ खा लिया होगा उसने। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो जब से स्कूल से आई है बहुत डरी हुई लग रही है। मैंने एक लड़की को ब्लैक ड्रेस में उसके पीछे आते देखा था, मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। प्लीज प्लीज गिव अस सम इंपॉर्टेंस। इस वक्त तुम कहाँ हो? शिवू। पापा, पूरे शरीर में खुजली हो रही है। पापा, खुजली हो रही है। बेटा। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, खुजली हो रही है। चिंता मत करो बेटा। डॉक्टर? नथिंग टू वरी सर, मैंने इसे एंटीबायोटिक दे दी है, अब इसे आराम करने दीजिए। शी विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, डोंट वरी बच्चा। डरो मत बेटा, तुम्हारे डैडी यही है। No, तुम्हें पेन हो रहा है? तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। ओके, इट शुड बी फाइन। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मी, डर लग रहा है। मम्मा है ना बेटा? से आ रहा है, कहीं ये वो आत्मा तो नहीं? पर घर पर कौन है? लेकिन मेरी बेटी भी यही है। आज रात इन दोनों को घर से दूर रखता हूं और फिर घर जाकर पता लगाता हूं। डॉक्टर? यस। अगर हम इसे आज रात यहीं छोड़ जाएं और कल सुबह ले जाएं तो ठीक रहेगा? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पूरे शरीर पर रैशेस हैं, इसे ऑब्जर्वेशन में। शिव, इट्स ओके, डॉक्टर पर भरोसा रखो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जस्ट एन इंसेक्ट बाइट, इंजेक्शन दे दिया है, नींद आ जाएगी अभी। शी विल बी ऑल राइट इन द मॉर्निंग। पर शिव, आई विल टेक केयर। मैं तो प्रिकॉशन के तौर पर। आई विल टेक केयर। टिया सो गई है, मैं इसे बेड पर लेटा देती हूँ।
रेजी, क्या तुमने इसे यहाँ रखा? नो, मैंने नहीं रखा। खिड़की बंद कर दो। अगर दोबारा यहां देखा तो जान से मार दूंगा। इडियट। तुमने जो कहा था मैंने वही किया। मैंने कलमा वैसा ही पढ़ा जैसा तुमने बताया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब बस एक ही रास्ता है कि फजर में दुआ की जाए। अल्लाह तुम हमारे पीर पर अपनी रहमत बनाए रख और उन्हें सुकून दे। एक तू ही है जो ये काम कर सकता है। ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत बनाए। अल्लाह, हाँ।
ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा?